हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग एक वीडियो कर रहे हैं, क्योंकि कई केस बताए थे तो उसमें थोड़ा नहीं हो पाया। तो देखिए आज देखिए हम लोग क्लास 12 का एक थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक। तो वो टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना? दिख रहा है ना? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है? स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली इसका पार्ट है गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। हमें पता है कि दो गैमेट होंगे, एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट। और मेल गैमेट किसमें बनेगा? मेल पार्टनर में। और फीमेल गैमेट किसमें बनेगा? फीमेल में बनेगा, है ना? तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, इसको हम लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है बाबू फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। और यहाँ पे लिखा स्पर्मेटो। स्पर्मेटो का मतलब होता है तब स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को? द प्रोसेस ऑफ, कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ किससे? फ्रॉम मेल सेल। मेल जर्म सेल। अच्छा, इसी मेल जर्म सेल को हम लोग ना स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। क्या कहेंगे? या स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कहां पे? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो देखो क्या हो गया ये, कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजोआ बनने कहां से बनेगा? फ्रॉम मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और कहां पे? इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां होता है? टेस्टिस में। आपको अगर नहीं याद होगा, थोड़ा रिकॉर्ड करें हम लोग, ये जो है मान लेते हैं टेस्टिस। टेस्टिस में नियर अबाउट 250 लिटिल कंपार्टमेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1, 2, 3 मतलब 1 से 3 हाईली क्वाइर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे दो टाइप की सेल होंगे, ठीक है? सपोज करो कि ये मान लीजिए हम लोग बना लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप की सेल है। कौन? एक सेल है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल। और दूसरी सेल कौन सी बाबू? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को ही क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। अब ये बनती कहां से है? प्रीमॉर्डियल जर्म सेल या पीजी सेल, पीजीसी। प्रीमॉर्डियल जर्म सेल। प्रीमॉर्डियल जर्म सेल से कौन बना? मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। अब ये मेल जर्म सेल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे बोलो? स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसी के साथ साथ बनेगा अपना सर्टोली सेल। सर्टोली सेल जो होगा, ये मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा ये सर्टोली सेल जो होता है ना, इंडोक्राइन जैसा बिहेव करता है। इंडोक्राइन मतलब हार्मोन का, जैसे इनहिबिन हार्मोन रिलीज करेगा। इसके बाद एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को सेक्रेट करेगा ये सर्टोली सेल। तो एंटीमोडाइजिंग फैक्टर का फॉर्मेशन करता है। एंटीमोडाइजिंग फैक्टर को भी कहां से आता है? सर्टोली सेल से, ठीक है? तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर दो टाइप की सेल है, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। अब ये मेल जर्म सेल किसका फॉर्मेशन कर दे रहे हैं? स्पर्मेटोजोआ। इतनी बात आई समझ में? अब देखो आगे क्या होता है। अब ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये स्टार्ट कब होता है बाबू?
ये स्टार्ट होता है आपका ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय स्टार्ट होता है ये और लाइफ लॉन्ग चलता है। अब अगर हम इसके स्टेप्स की बात करें तो ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा? तीन स्टेप। कौन कौन सा? पहला स्टेप होता है, तीन स्टेप होंगे। तीन स्टेप कौन कौन से होंगे? मल्टीप्लीकेशन फेज, पहला होगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन फेज होगा, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा? ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। और तीसरा कौन सा फेज होगा? मैच्युरेशन फेज, मैच्युरेशन फेज। देखो ये तीन स्टेप होगा। मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा? स्पर्मेटोकोडिया है, मल्टीप्लाई करेगी, अपने नंबर को बढ़ाएगी। फिर इसके बाद ग्रोथ फेज में क्या होगा? इसकी साइज बढ़ेगी, साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ेगा। और मैच्युरेशन फेज में क्या होगा? पूरा मैच्योर होगी। अब इसमें सबसे लॉन्ग फेज कौन सा है? मैच्युरेशन फेज होता है, ठीक है। कैसे होता है? आओ इसको हम लोग मान लो, इसको इरेज करते हैं। देखो ये मान लेते हैं हम लोग क्या है, मेल जर्म सेल। ये क्या है? मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। जब माइटोसिस होगा तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। किसमें कन्वर्ट हो गई? प्राइमरी स्पर्मेटो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ग्रोथ फेज आता है। इसमें क्या होगा? ग्रोथ फेज। अब होगा इसमें ग्रोथ, और ग्रोथ होने में इसकी साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन इसको अभी भी हम लोग क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहेंगे। अब यहां से शुरू होता है इसका मियोसिस, ठीक है। अब इसमें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आप देखो कितना सेल बन गया? दो सेल। इसको हम लोग क्या नाम दीजिए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखा मैं यहां तक। अब यहां जो हो रहा है इसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। क्या हुआ? मियोसिस फर्स्ट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर से होता है डिवीजन, मियोसिस कंप्लीट होता है। तो कितना बन गया यहां से? चार बन गए। और इनका नाम क्या है? स्पर्मेटिड। क्या नाम? स्पर्मेटिड, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिड है, अब ये आगे जाके पूरा क्या होता है? कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें स्पर्मेटोजोवा में, ये स्पर्मेटोजोवा। इसको हम लोग नाम देंगे स्पर्मेटोजोवा। स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस हुआ, तो ये कौन सा डिवीजन हो गया है? आप देखो यहां से यहां तक कौन सा स्टेप हुआ, कौन सा फेज हुआ? मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ। फिर यहां से यहां तक कौन सा फेज हुआ? दूसरा फेज ग्रोथ फेज, ठीक है, ग्रोथ फेज हुआ। फिर यहां से लेके यहां तक कंप्लीट कौन सा हुआ है? वो मैच्युरेशन फेज हुआ, मैच्युरेशन फेज, ठीक है, मैच्युरेशन फेज। अब इस यहां पे देखो समझने वाली बात ये है, यहां पे ना यहां पे क्रोमोसोम का नंबर कितना है? ये डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, और ये भी कैसी होगी? डिप्लॉयड ही होगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि यहां से हो रहा है मियोसिस। ये कैसी हो जाएगी? हैप्लॉयड। और स्पर्मेटिड कैसा होगा? हैप्लॉयड। और ये स्पर्मेटोजोआ भी कैसा होगा? हैप्लॉयड। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, मान लेते हैं यहां पे जो क्रोमोसोम है स्पर्मेटोगोनिया में, चूंकि मेल है ना, तो 44 तो ऑटोसोम होगा, मान लो 44 प्लस एक्स वाई, ये चीज होगा। यहां भी क्या होगा? यही होगा 44 प्लस एक्स वाई, है ना। और यहां भी क्या होगा? 44 प्लस एक्स वाई।
ये हुआ। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 प्लस एक्स, और ये वाला भी हो जाएगा 22 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस में ये बात आप पढ़े हो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ, जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 44 प्लस एक्स वाई था, तो यहाँ क्या हो गया, चूंकि यहाँ पे डिवीजन 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। तो अब देखो, अब फिर से यहाँ पे इसमें भी क्या होगा, ये भी होगा 22 प्लस एक्स, ये भी हो जाएगा 22 प्लस एक्स, और यहाँ पे 22 प्लस वाई और 22 प्लस वाई। तो आप एक चीज देख रहे हो, जो स्पर्म है दो टाइप के होते हैं, एक स्पर्म ऐसे हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम है ना, 50% स्पर्म ऐसे हैं जिनमें एक्स क्रोमोसोम है, और 50% क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनमें वाई क्रोमोसोम है। तो द क्रोमोसोम्स हैविंग द स्पर्म्स हैविंग एक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड द गाइनी स्पर्म, गाइनो या गाइनी स्पर्म कहा जाता है। अब वो क्रोमोसोम, अब वो स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रॉइड स्पर्म कहते हैं, एंड्रोस्पर्म। इतनी बात आई समझ में, गाइनी स्पर्म क्या होता है और एंड्रोस्पर्म क्या होता है। ये पूरा पूरा हम लोगों का क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ये 44 प्लस XY स्पर्मेटोगोनिया था, स्पर्मेटोगोनिया को क्या नाम दिया, मेल जनरेशन। इसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का ग्रोथ फेज हुआ, ग्रोथ होने के बाद किसका फॉर्मेशन कर लिया, सिर्फ सारी स्पीचें होती है, बाकी क्या था कि स्पर्मेटोसाइट भी। अब इसमें मियोसिस शुरू होता है, मियोसिस दो स्टेज में कंप्लीट होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट में जब कंप्लीट होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर था क्या हो जाएगा, हाफ एक्स क्रोमोसोम। और चूंकि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम, हम लोग ना मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम मतलब 50% मेल में, 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होता है, बाकी 50% स्पर्म क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम का होता है। अब एक बात यहां पे और, ये जो हम स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड का शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, स्पर्मेटिड का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप। लेकिन ये जो स्पर्मेटोजुआ होते हैं, स्पर्मेटोजुआ का कैसा होता है शेप, टैडपोल शेप होता है ना। तो ये स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लोसिस। को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लोसिस को हम लोग कहते हैं, तो ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ तक जाने का, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ तक जाने का जो प्रोसेस है बनने का, डेवलप होने का, उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ऊपर लिख देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, या इसी का एक नाम और है स्पर्मेटिलोजेनेसिस, स्पर्मेटिलोजेनेसिस। ये क्या है स्पर्मेटिलोजेनेसिस, ये कौन सा प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ, या आप ऐसे कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल स्पर्मेटिड इनटू द टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलोजेनेसिस। तो आगे बात समझ में, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, इतना रखते हैं हम लोग इसमें, बाकी फिर नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू।